एक बार की बात है, एक जंगल था और उसमें एक छोटा सा पेड़ था। उस पेड़ के अंदर कालू कौवा रहता था। कालू कौवा के दो सिर थे, एक नीला था और एक काला था। कालू कौवा के घर में एसी था, बेड था और सब थे, पर कालू कौवा नीलू कौवा को बहुत परेशान करता था। कालू कौवा अलार्म बजते ही जल्दी उड़ जाता था और नीलू कौवा जल्दी नहीं उठता था, उसको बहुत गुस्सा आता था। कालू कौवा नीलू कौवा से बोलता है, चल जंगल चलते हैं और जंगल से फल ढूंढ के लाते हैं। कालू कौवा और नीलू कौवा जंगल निकल जाते हैं और जंगल जाते ही उन्हें एक फल दिख जाता है और कालू कौवा उस फल को खा लेता है। नीलू कौवा बोलता है, मुझे भी खाना है ये फल। पर कालू कौवा बोलता है, अरे नहीं, ये फल पेट में तो गया ना, या मैंने खाया या तूने खाया, गया तो पेट में, संतुष्टि तो मिल गई होगी ना। नीलू कौवा को गुस्सा आता है और वो घर के लिए निकल जाता है। घर जाने के बाद नीलू कौवा सोचता है, कालू बहुत बेकार है, इसने मुझे फल नहीं खाने दिया, अब इसे मजा चखाना पड़ेगा। अगले दिन कालू कौवा और नीलू कौवा रोजाना की तरह फल ढूंढने निकल जाते हैं। नीलू कौवा को फल दिख जाता है और नीलू कौवा कालू कौवा से बोलता है, कालू मुझे ये फल दिखा, मैं तो ये खाऊंगा। कालू बोलता है, अरे ये बिसेला फल है। नहीं, नीलू बोलता है, अरे मैं तो खाऊंगा, बिसेला हुआ तो क्या हुआ। कालू बोलता है, अरे मर जाएंगे, और वो फल को खा जाता है। और फल खाने के बाद कालू कौवा और नीलू कौवा मर जाते हैं, क्योंकि फल तो गया पेट में, सिर दो थे पर पेड़ तो एक था, मर गए। कालू कौवा और नीलू कौवा की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी निर्णय लेना है वो दोनों को मिलकर लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें मिसू फन पॉइंट और बाय बाय।